हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माय सेल्फ मनीष। तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। यह लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ या फिर उनके क्या क्या कंडीशंस हैं वो सब यहाँ पे देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उनमें कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ लगते हैं वो सब देखेंगे, मतलब कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ को वो फॉलो करते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये छोटा सा ही लेक्चर बनेगा, 6 पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ लगते हैं और उसको बारी बारी से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो आप लोग को पहले बता चुका हूँ इसके पिछले लेक्चर में, ठीक है, कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई एक ऊर्जा युक्त पार्टिकल जो है किसी मूल नाभिक से जाके टकराता है या फिर उस पर बमबारी करवाते हैं, जिससे क्या होता है एक अन्य पार्टिकल या अन्य कण उत्सर्जित हो जाता है। साथ में जो मूल नाभिक रहता है वो किसी दूसरे नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उस रिएक्शन में क्या होती है, ऊर्जा अवशोषित हो सकती है या ऊर्जा रिलीज हो सकती है, ठीक है। तो ये हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। और ये भी बोला था कि जो ऊर्जा युक्त पार्टिकल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रक्षेप कण बोला जाता है। और जो सेकेंड साइड में या फिर जो रिएक्शन के बाद जो निर्गत कण निकलता है उसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट पार्टिकल या फिर निर्गत कण बोला जाता है, ठीक है। और अपना जो शुरू में जो रहेगा वो मूल नाभिक कहलाता है और जो बाद में जो बनता है नाभिक उसको क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई या फिर उत्पादित नाभिक ये बोला जाता है। तो इतना आप लोग को मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में पता होगा, या फिर नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार देख लेना, फिर पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, उन्हीं जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उनमें कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ लगते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, क्या हो जाएगा हेडिंग, कंजर्वेशन लॉ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो देखो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल 6 प्रकार के कंजर्वेशन लॉ लग सकते हैं, ठीक है। और देखो ये जो कंजर्वेशन लॉ है ना, ये हर न्यूक्लियर रिएक्शन में फॉलो होता है, ठीक है। अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो करने के लिए कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ होते हैं, टोटल 6 टाइप के कंजर्वेशन लॉ होते हैं। मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, फिर बारी बारी से सभी कंजर्वेशन लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखो तो सबसे पहला कंजर्वेशन लॉ लगता है वो क्या है, तो यहाँ पे पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ फिर हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उसके पहले नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो ये, या फिर ऐसा करते हैं नाम लिखने के बजाय मैं स्क्रीन पे ही टाइप करके शो करा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको एक मिनट रुक जाओ, उसको मिटा देता हूँ, तो क्या लिखने में टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। टोटल 6 प्रकार के यहाँ कंजर्वेशन लॉ होते हैं, कौन कौन से एक बार नाम बता देते हैं पढ़ के, ठीक है। एनर्जी का कंजर्वेशन रहेगा, ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड में क्या रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन रहता है उसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए। तीसरा कौन सी है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्वेशन होना चाहिए। उसके बाद चौथा कौन सा है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, मतलब उसमें क्या रहना चाहिए, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें जो चार्ज है वो भी कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो और पांचवा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें जो भाग लेते हैं क्रिया में और जो बाद में उत्पाद बनते हैं उन दोनों साइड में जो न्यूक्लियॉन की संख्या है, न्यूक्लियॉन की संख्या मतलब जो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है, उनका योग दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे और आगे, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैटिक्स रहेगा, मतलब स्पिन बोल सकते हो, स्पिन दोनों साइड में क्या रहेगा उसमें संरक्षित रहता है कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है, सांख्यिकी बोल सकते हो या फिर स्पिन संरक्षण। तो इस टाइप से 6 प्रकार के टोटल होते हैं, ठीक है, एकदम इजी सा है, आपको इसको मुखाग्र याद होना चाहिए। तो सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं, तो पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो इसको समझने से पहले मैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखता हूँ, फिर उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कोई एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें ए क्या है, प्रक्षेपकण हो गया, वो किसी मूल नाभिक एक्स पर जाकर टकराती है या फिर एक्स पर कोई ऊर्जा कण की बमबारी करवाते हैं, जिसे क्या होता है एक अन्य कण उत्सर्जित होता है बी, और ये जो मूल नाभिक था ये किसी दूसरे नाभिक में कन्वर्ट हो गया जिसको मैंने नाम दिया वाई, ठीक है। साथ में ऊर्जा रिलीज हो सकती है या तो फिर एनर्जी
एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन मान लिए। अब देखो इसको मैं क्या नाम दिया था, मैं प्रक्षेप्य कण। तो एक बार लिख देता हूँ क्योंकि ये सब टर्म बार बार यूज़ होगा तो आप लोग को ये याद हो जाना चाहिए। ये क्या है, हमारा मूल नाभिक है, मूल नाभिक। वाई क्या है, उत्पादित नाभिक, उत्पादित नाभिक। उसके बाद ये जो बी है ये क्या है, हमारा निर्गत कण या फिर उत्सर्जित कण भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो उत्सर्जित कण ही लिख देता हूँ, उत्सर्जित कण। ठीक है, तो देखो बात कर रहे हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो सिंपल शब्दों में बोलना चाहूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के ना बोलना चाहूँ, तो क्या बोल सकते हो, जो प्रक्षेप्य कण और मूल नाभिक है इन दोनों का जो ऊर्जा है वो राइट हैंड साइड में, मतलब उत्पादित नाभिक और उत्सर्जित कण, इनके ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। यदि दोनों बराबर हैं तभी न्यूक्लियर रिएक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल शब्दों में हो गया, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ी डिटेल में, तो यहाँ पे डिटेल में लिखना पड़ेगा। अब देखो जो ये प्रक्षेप्य कण है इसकी ऊर्जा, तो ऊर्जा भी कैसे कैसे हो सकती है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो प्रक्षेप्य कण की ऊर्जा दो प्रकार से हो सकती है, पहला द्रव्यमान ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा। ठीक है, चूंकि ये क्या है, ऊर्जा युक्त पार्टिकल है तो इसके पास गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोला, पहला द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक है, मतलब द्रव्यमान के कारण ऊर्जा जो आएगी उसको हम लोग, मतलब जो E बराबर एम सी स्क्वायर होता है ना उससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा क्या ऊर्जा होगी इसके पास, जो गतिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा। तो ये प्रक्षेप्य कण है इसके पास दो प्रकार की ऊर्जा होगी, द्रव्यमान ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा। तो इसके पास बात हो गया। मूल नाभिक की बात करें तो मूल नाभिक क्या होता है, इसके पास द्रव्यमान ऊर्जा बस होगी। ठीक है, इसके पास क्या होगी, द्रव्यमान ऊर्जा बस होगी। गतिज ऊर्जा क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एक्स नाभिक है या फिर जो मूल नाभिक है उसको हम लोग विरामावस्था में मान के चलते हैं, मतलब वो विराम स्थिति में है। उस विराम स्थिति में है तो जो ये जो ए है इस पर जाकर टकराती है या फिर उस पर बमबारी करवाती है, तो इसको हम लोग को विरामावस्था में लेना पड़ेगा। विरामावस्था में ले रहे हैं मतलब उसकी गतिज ऊर्जा नहीं होगी, गतिज ऊर्जा शून्य होगी। ठीक है, तो वहाँ पे इसमें सिर्फ द्रव्यमान ऊर्जा बस होगा। तो ये द्रव्यमान ऊर्जा या फिर ऐसा बोल सकते हो प्रक्षेप्य कण का द्रव्यमान ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तथा मूल नाभिक का द्रव्यमान ऊर्जा का योग, यहाँ तक बोल सकते हो। अब उस साइड भी सेम ऐसे लिखेंगे ये सब चीज़, तो उसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे आएगा। पहले लिख लेते हैं फिर पूरा पूरा मैं डिफिनेशन बता दूंगा। ठीक है, तो उत्पादित नाभिक का भी क्या होगा, सबसे पहला द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा सबके पास होगा क्योंकि सबका कोई ना कुछ ना मास होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान ऊर्जा। दूसरा इसके पास भी क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, चूंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये विरामावस्था में था। ठीक है, लेकिन ये विरामावस्था में नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई इसे टकराएगा तो ये कुछ ना कुछ गतिशील हो जाएगा, उसके पास एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये विरामावस्था में नहीं रहेगा इसलिए उसके पास गतिज ऊर्जा रहेगी। उसी प्रकार बी के बारे में बात करें तो बी के पास भी क्या होगा, पहला द्रव्यमान ऊर्जा होगा। ठीक है, दूसरा गतिज ऊर्जा, चूंकि यहाँ पे उत्सर्जित हो रहा है पार्टिकल तो उसके पास गतिज ऊर्जा भी होगा, तो इसलिए इन दोनों के पास दोनों ऊर्जा रहती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पास रहेगा, यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा बस रहता है। ठीक है, तो अब यदि मेरे को डेफिनेशन लिखना है या फिर मतलब थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखूँगा, तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रक्षेप्य कण की द्रव्यमान ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा तथा मूल नाभिक का द्रव्यमान ऊर्जा का योग उस न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण उत्सर्जित कण की द्रव्यमान ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा तथा उत्पादित नाभिक की द्रव्यमान ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग के बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा है तब वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा, तभी वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगा, ऐसा बोल सकते हो। यहाँ तक समझ में आया, देखो इसको इतना डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग वर्ड टू वर्ड समझ पाओ कि एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बस यही है, द्रव्यमान ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा बस रहेगा और ये साइड दोनों रहेगा, तो जो इन चारों का योग है इन तीनों के योग के बराबर होनी चाहिए, तभी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको थोड़ा सा और से समझा देते हैं। यदि मैं द्रव्यमान ऊर्जा को मैं मान लेता हूँ, प्रक्षेप्य कण का द्रव्यमान ऊर्जा को मैं मान लेता हूँ क्या है, एम ए है। ठीक है, गतिज ऊर्जा है इसको मैं मान लेता हूँ, इसको ऐसा समझ लो ई ए है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा को मैं क्या मान लिया, प्रक्षेप्य कण का एम ए मान लिया और गतिज ऊर्जा को ई ए मान लिया। उसी प्रकार जो द्रव्यमान ऊर्जा है मूल नाभिक का उसको मैं क्या मान लेता हूँ, एम एक्स मान लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे जिसका है उसको मैं नीचे में लिख रहा हूँ, बाकी मास का तो द्रव्यमान का तो मास लिख दिया, एनर्जी के लिए ई लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, द्रव्यमान ऊर्जा है तो किसके लिए, उत्पादित नाभिक के लिए है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एम वाई और फिर ए कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा है तो क्या हो जाएगा, के वाई, और इसके लिए बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा एम बी या फिर इसको एम बी ऐसा लिखो, क्योंकि ये इसको स्मॉल में लिखो क्योंकि ये कण है और ये नाभिक है, ठीक है, तो ये छोटा चीज़ है तो इसलिए छोटा में लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के बी, तो चारों को हम लोग मान लिए। अब देखो इसको मेरे को फार्मूला के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, तो ई ए प्लस एम ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। प्लस क्या लिखोगे, इसमें सिर्फ एम एक्स बस है तो एम एक्स सी स्क्वायर, ये किसके बराबर में होना चाहिए, देखो ये किसका हो गया, प्रक्षेपकण का ऊर्जा हो गया, और ये किसका हो गया, मूल नाभिक का ऊर्जा हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का हम लोग ऊर्जा को लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये सी स्क्वायर पे गुणा क्यों कर रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए, तो देखो ये बराबर एम सी स्क्वायर होता है ना, तो ये हम मास मान रहे हैं, मतलब मास बस है, ठीक है, और सी का गुणा कर देंगे तो ये मास मतलब द्रव्यमान ऊर्जा बन जाएगा, ठीक है, तो इसलिए सी स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब आप द्रव्यमान ऊर्जा लिखे हैं ना, और द्रव्यमान को सिर्फ एम ए माने हैं, तो द्रव्यमान ऊर्जा मतलब ये एम ए सी स्क्वायर, ये बराबर एम सी स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता होगा, तो उसी से ही इसको लिखे हैं, ठीक है, तो सी स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, अब राइट हैंड साइड में भी वैसे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो, हाँ ठीक है, के वाई प्लस एम वाई सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा उत्पादित नाभिक के लिए। प्लस क्या हो जाएगा, इसके लिए बात करें तो ये हो जाएगा के बी प्लस एम बी सी स्क्वायर, ये हो गया राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ऐसा मतलब मत लिखना, इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मतलब इसको उत्पाद बोलेंगे, इसको अभिकर्मक बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा मतलब बोल सकते हो, बाकी कोई जरूरी नहीं है इसको एल एच एस आर एच एस लिखना, ठीक है, मैं समझाने बस के लिए एल एच एस आर एच एस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये प्रक्षेपकण का ऊर्जा, ये मूल नाभिक का ऊर्जा, और ये उत्पादित नाभिक का ऊर्जा, ये उत्सर्जित कण का ऊर्जा, तो ये उत्पादित कण का ऊर्जा और ये उत्सर्जित कण का ऊर्जा, इनका योग इसके बराबर में होना चाहिए, इसलिए मैं क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया। अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो ये एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। तो आई होप ये पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर। मेन फार्मूला हमारा कौन सा है, यही है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना है, और शब्दों के रूप में लिखना चाहोगे तो मैं पूरा लिख दिया हूँ, आप लोग ऐसा इसको थ्योरी में लिख सकते हो। यदि मान लो चार नंबर पाँच नंबर में आता है तो आपको पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले रुक जाओ, यहाँ पे अब चाहो तो के वाई करके भी लिख सकते हो या फिर ई ए करके भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ई ए मैं बुक में ई ए करके दिया है तो मैं इसको सबको ई ही ले लेता हूँ, ये ई वाई हो जाएगा और ई बी हो जाएगा, और इसका तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे के जगह में आप लोग ई लिख सकते हो, के भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो गतिज ऊर्जा को ही शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन बुक में के दिया है, सॉरी ई दिया है, तो मैं ई ही लिख रहा हूँ, तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, बाकी इधर तो सही है, हाँ। तो अब बात करते हैं सेकेंड वाले का, तो देखो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग क्या होता है, तो देखो इसमें ऐसा है कि जो उत्पादित नाभिक है, या फिर ऐसे लिखोगे किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पादित नाभिक का रेखीय संवेग तथा उत्सर्जित कण का रेखीय संवेग, इसका कुछ रेखीय संवेग होगा, मान लो उसको मैं नाम देता हूँ L1, इसको मैं नाम देता हूँ L2, ठीक है, दोनों का अलग अलग रेखीय संवेग होगा, इसका वेक्टर सम लेंगे, वेक्टर सम ये मैं आपको जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा, या फिर थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, या फिर एटॉमिक फिजिक्स में पढ़े होगे तो वेक्टर सम क्या होता है पता है, ठीक है, वेक्टर सम क्या होते हैं, जैसे कि मान लो ये दो है, ये तीन है, ये L1 का मान दो है, L2 का मान तीन है, तो इसका वेक्टर सम कैसे निकालते हैं, कैपिटल L, तो L1 प्लस माइनस L2 कर देते हैं, मतलब इसका पहले मिनिमम लेंगे तो मिनिमम कितना हो जाएगा, दो और तीन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, लेकिन पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है, तो ये माइनस वन मत लिखना, प्लस वन, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, मैक्सिमम कर दो, मैक्सिमम करने के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, तीन तीन और दो पाँच हो जाएगा, तो ये एक मिनिमम आया और अधिकतम पाँच आया, तो इनके बीच में जो जो अंक आएगा सबको लिखना है, तो दो तीन और ये चार, तो ये पाँच, तो ये इसका क्या हो गया, वेक्टर सम हो गया, ये वन टू थ्री फोर फाइव, ये एटॉमिक फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो देखेंगे बाद में, बाकी थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से पता ही होगा, तो वैसी सेम यहाँ पे भी, ये इसका मान लो रेखीय संवेग उत्पादित नाभिक का L1 है और उत्सर्जित कण का रेखीय संवेग L2 है, तो इन दोनों का वेक्टर सम जो है प्रक्षेप कण के रेखीय संवेग के बराबर में होना चाहिए, चूंकि ये मूल नाभिक क्या है,
वो विरामावस्था में है तो उसका कोई रैखिक संवेग नहीं होगा, ठीक है। उसका विरामावस्था में मतलब गति ही नहीं कर रहा है, गति ही नहीं कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब उसका मोमेंटम भी जीरो होगा, क्योंकि मोमेंटम बराबर क्या होता है, एम इंटू वी होता है, और वी जीरो है तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा, रैखिक संवेग जीरो होगा। तो इसमें रैखिक संवेग की बात ही नहीं करते। तो उत्पादित नाभिक का रैखिक संवेग, उत्सर्जित कण का रैखिक संवेग, इन दोनों का वेक्टर सम प्रक्षेप कण के रैखिक संवेग के बराबर होना चाहिए, तब वो क्या करेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करेगा। तो आई होप पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरा पॉइंट का। तीसरा पॉइंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपल सी बात, उसमें भी क्या हो जाएगा, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में उत्पादित नाभिक का एंगुलर मोमेंटम तथा उत्सर्जित कण का एंगुलर मोमेंटम दोनों का वेक्टर सम प्रक्षेप कण के वेक्टर सम प्रक्षेप कण के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होने चाहिए। यदि बराबर है तो वो इस कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, उसमें लीनियर मोमेंटम लिखना था, इसमें एंगुलर मोमेंटम लिखना था। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम जो होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, या फिर जो कोणीय संवेग है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए उसका किससे डिनोट करते हैं, उसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। और ये आई दो चीज़ों का योग होता है, कौन कौन सा दो चीज़ों का, तो सबसे पहला ये होता है तुम्हारा स्पिन कोणीय संवेग का, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, प्लस किसका योग होता है, टोटल क्वांटम नंबर नहीं, या फिर हाँ ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल एस से, और इसको डिनोट करते हैं तुम्हारा स्मॉल एल से। तो इन दोनों का योग होता है स्पिन मतलब एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इन दोनों का यदि योग करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। इसका भी वेक्टर सम लेते हैं, ठीक है, वेक्टर सम लेंगे तो ये आई आएगा। तो उत्पादित नाभिक के लिए आई और उत्सर्जित कण के लिए आई, दोनों का फिर से हम लोग क्या लेंगे, मतलब इसको आई वन नाम दे दो इसके लिए और इसके लिए आई टू, तो इन दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे तो टोटल आई निकल जाएगा। तो वो जो आई का वैल्यू आएगा वो प्रक्षेप कण के एंगुलर मोमेंटम के बराबर में होनी चाहिए। दोनों बराबर है, दोनों में से कोई एक मैच कर रहा है तो वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करेगा। यदि मैच नहीं कर रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो नहीं करता, ठीक है, हमको उसको कंजर्व करना पड़ेगा। तो ये हम लोग देखेंगे पार्टिकल फिजिक्स में, अभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले सकते हो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तीन पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, चौथा पॉइंट भी नाम से समझ में आ रहा है, क्या है चौथा पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, चार्ज कंजर्व होना चाहिए। चार्ज कंजर्व होगा इसका मतलब क्या है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। तो चार्ज कैसे कंजर्व हो सकता है, तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में उत्पादित नाभिक का चार्ज या उत्पादित नाभिक का आवेश बोल सकते हो, ठीक है, अगर हिंदी में लिख रहे हो तो। उसके बाद जो उत्सर्जित कण है उसका आवेश, उन दोनों का योग, प्रक्षेप कण का आवेश और मूल नाभिक का आवेश, इनके योग के बराबर में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मूल नाभिक का आवेश आएगा, उसका वेग जीरो था इसलिए रेखीय संवेग और कोणीय संवेग नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अब चार्ज आएगा भाई, एक्स विरामावस्था में तो है लेकिन उसका चार्ज कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो उत्पादित नाभिक का चार्ज और उत्सर्जित कण का चार्ज, इन दोनों का योग प्रक्षेप कण तथा मूल नाभिक के चार्ज के योग के बराबर में होना चाहिए। यदि ऐसा है तब वो इस कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, तभी वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट भी हो गया चौथा पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स पहले बता चुका हूँ क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। तो इसमें भी सिंपल सी बात है, उत्पादित नाभिक और उत्सर्जित कण, इनमें जो न्यूक्लियॉन की जो संख्या है वो प्रक्षेप कण और मूल नाभिक के न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर में होनी चाहिए। दोनों साइड बराबर है तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो कैसे हो सकता है, मतलब न्यूक्लियॉन की संख्या, मतलब तो ऐसा बोल सकते हो आवेश की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या बोल सकते हो, ठीक है। इधर जो प्रोटॉन की संख्या होंगे इधर भी प्रोटॉन की संख्या के बराबर में होना चाहिए, और इधर जो न्यूट्रॉन की संख्या है इधर भी न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों बराबर में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे का एग्जाम्पल जैसे समझो, एग्जाम्पल में मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल समझ लो, 2He4 अल्फा पार्टिकल हो गया, ये किस पे किसी पे बमबारी करवाते हैं इसका, हम लोग जैसे अपना नाइट्रोजन पे बमबारी करवाते हैं, 7A14, ठीक है, इसे बमबारी करवाए तो क्या होगा, एक प्रोटॉन उत्सर्जित होता है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 8, ये 17, इस टाइप से कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों साइड में क्या होना चाहिए, इसका कंजर्व होना चाहिए
न्यूक्लियॉन की संख्या, तो मतलब न्यूट्रॉन की संख्या मतलब इधर प्रोटॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए इस साइड के प्रोटॉन की संख्या से, और इस साइड के जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो भी बराबर होनी चाहिए इस साइड के न्यूट्रॉन की संख्या से। ये दोनों बराबर में है तो ये कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो इधर देखो प्रोटॉन की संख्या कितना है, दो, इधर सात, सात और दो नौ, ठीक है, इधर भी आठ और एक नौ, दोनों साइड में बराबर है नौ नौ, तो ये फॉलो कर रहा है। साथ में न्यूट्रॉन के भी देख लो, न्यूट्रॉन को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालना पड़ेगा, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, चार ऋण दो मतलब दो, ठीक है, और यहाँ पे चौदह ऋण सात मतलब सात, यहाँ पे सात है, यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन की संख्या, तो सत्रह ऋण आठ कर दो कितना आ जाएगा नौ, ठीक है, और यहाँ पे वन में से वन माइनस कर दो तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब चेक कर लो, तो ये दो और सात नौ हो गया, और यहाँ पे नौ और शून्य नौ, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या है, कंजर्व है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, अगर न्यूट्रॉन को चेक नहीं करना है तो डायरेक्ट ए को ही देख लो, मतलब ए का भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कंजर्व है तो ए भी कंजर्व ही होगा, ठीक है, दोनों का योग है ये, तो यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते हो। तो चार और चौदह कितना हो गया, अठारह हो गया, और इधर भी सेम कर सकते हो, सत्रह और एक अठारह, तो ये भी कंजर्व होना चाहिए। अगर कंजर्व है तब वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स को फॉलो करेगा। तो आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एक पॉइंट और बच गया है, उसको भी देख लेते हैं, फिर लेक्चर को ओवर करते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, स्टैटिक्स है। तो देखो आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, यदि आप लोगों ने स्टैटिकल मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो बीएससी में फाइनल ईयर में ही है। क्या होता है, किसी भी कण रहता है उसके लिए दो प्रकार के हम लोग स्टैटिक्स को पढ़ते हैं, ठीक, दो प्रकार की वहाँ पे सांख्यिकी का पालन होता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्मी डिराक स्टैटिक्स, या फिर सांख्यिकी, और एक और कौन सा होता है तुम्हारा, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। क्या होता है ये सब चीज, तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना समझ लो कि कोई भी कण जो है फर्मी डिराक स्टैटिक्स कब फॉलो करेगा, जब उसका स्पिन है, ठीक है, उसका स्पिन जो है हाफ इंटीजर हो, मतलब h/2 का पूर्ण गुणक होना चाहिए। और कोई भी कण जो है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कब फॉलो करेगा, जब उसका स्पिन पूर्ण इंटीजर हो, मतलब पूर्ण गुणक हो h का। समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। देखो जैसे मान लो कोई एक कण है, ठीक है, उसका हम लोग बात करें, उसका स्पिन निकालना है, तो उसका स्पिन मान लो जीरो आता है, या वन आता है, या टू आता है, थ्री आता है, फोर आता है, मतलब पूर्णांक में आता है। पूर्णांक मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब वो पूर्णांक और मतलब वो सम हाफ इंटीग्रल मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2, ये सब क्या है, हाफ इंटीजर है, ये सब पूर्णांक है। तो यदि वो फर्मी डिराक को फॉलो कब करेगा, जब वो हाफ इंटीजर होगा, ठीक है, चाहे वो 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2, 7/2, 15/2, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और बोस आइंस्टीन कब फॉलो करेगा, जब वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसका पूर्ण गुणक होगा। तो दो प्रकार के स्टैटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बस यहाँ तक इतना जानकारी काफ़ी है इसके समझने के लिए। यदि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बात करोगे तो क्या बोल सकते हो, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में उत्पादित नाभिक और उत्सर्जित कण, इनका स्पिन यदि मान लो फर्मी डिराक सांख्यिकी को फॉलो कर रहा है, मतलब हाफ इंटीग्रल आ रहा है, तो प्रक्षेप कण और मूल नाभिक का भी स्पिन को फर्मी डिराक सांख्यिकी को फॉलो करना पड़ेगा। ये दोनों साइड में सेम होना चाहिए। फर्मी डिराक को फॉलो कर रहा है तो दोनों साइड में फर्मी डिराक को ही फॉलो करना चाहिए। मान लो बोस आइंस्टीन को फॉलो कर रहा है तो दोनों साइड में बोस आइंस्टीन को ही फॉलो करना चाहिए। यदि ऐसा है तभी वो क्या होगा, इसको कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। मतलब जैसे कि समझ सकते हो, जैसे कि इधर कोई वाई है, उसका हम लोग निकालते हैं स्पिन, तो वो आता है 1/2, और मान लो बी है तो उसका आता है 3/2, ठीक है। देखो ये ऐसा नहीं कि ये 1/2 इसका है तो 1/2 भी इसका होना चाहिए, 1/2 इसका भी होना चाहिए, 1/2 इसका भी होना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब विषम गुणक होगा तो भी चल जाएगा। विषम गुणक होगा इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, ये सब क्या है, विषम गुणक है, या फिर बोल सकते हो हाफ इंटीजर है। और ये क्या है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, जो भी बताया था वही सेम ये इसके लिए होगा। तो यदि इधर फर्मी डिराक को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इधर हाफ इंटीजर आ रहा है, तो इधर भी हाफ इंटीजर ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर इधर विषम गुणक है तो इधर भी क्या होना चाहिए, विषम गुणक होना चाहिए, और इधर सम गुणक है तो इधर भी सम गुणक होना चाहिए। मतलब इधर फर्मी डिराक फॉलो कर रहे तो इधर भी फर्मी डिराक ही फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर फर्मी
इंटीग्रल, मतलब इधर हाफ इंटीग्रल आ रहा है और इधर इंटीजर आ रहा है, मतलब दो तीन ऐसे आ रहा है, तो ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अगर इधर हाफ इंटीजर आ रहा है 1/2, 3/2 ऐसे कुछ आ रहा है, तो इधर भी क्या होना चाहिए 1/2, 3/2 या 5/2 या 7/2 ये चल जाएगा। मान लो इधर 1/2 आ रहा है, 7/2 आ रहा है, तो भी कंजर्व है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हाफ इंटीग्रल है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीन आ रहे हैं, तीन आएगा तो फिर ये बहुत सारे चीज़ को फॉलो करने लग जाएगा, जो कि ये कंजर्वेशन लॉ फेल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दोनों को सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा पसंद समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से टोटल 6 प्रकार के कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है, जो कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ये सब कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। और यदि फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। यदि मालूम नहीं कर रहा है तो उसको कंजर्व करना पड़ेगा कोई दूसरा पार्टिकल उत्सर्जित करके, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको पूरा 6 पॉइंट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको आप लोग को एग्जाम में नहीं भी आता तो भी इसको कवर करना है, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो इस लेक्चर को ओवर करते हैं, आई होप आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट अगर रहता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उसमें फिर इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसका क्यू वैल्यू कैसे गणना करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वो भी थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड ही है उसका, तो वो भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।